यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो सिविक का इंटीरियर का बिफोर लुक आपको यहाँ पे सब कुछ घिस चुका है, ये कपड़ा डल पड़ चुका है। अंदर की तरफ बात करूं सीट भी काफी अजीब सी लग रही है, मतलब यार मजा नहीं आ रहा इसको देख के। तो अभी बिफोर लुक आप देख लो, गाड़ी कुछ ऐसी है अभी। अब मैं डायरेक्ट आपको मिलूंगा बिफोर लुक के बाद आफ्टर लुक में, भाई गाड़ी का सब कुछ चेंज होता आपको दिख जाएगा। पीछे का भी आपको चेक कर रहा हूं तो भाई रियर अपना डोर ट्रिम आप जैसा कि नोटिस कर पा रहे हो कि सीट कवर कुछ ऐसे रहने वाले हैं, कंपनी फिटेड सीट कवर है, अब काफी पुरानी हो चुकी है तो सब कुछ डल पड़ चुका है अपना। अब इसमें हम लोग रौनक लेके आएंगे इस कार के अंदर। अंकुश जी अब डिग्गी का दबाकर दिखा दे। हाँ, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया होगा शायद जी, ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन कर दिया, बिल्कुल लेटेस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो निपॉन कंपनी करने वाली है। ब्रांडेड मतलब वारंटी के साथ। यहाँ पे अंकुश जी बता दीजिए क्या है ये एक सबवूफर है। जैसा स्टेपनी में चाहते हैं वूफर लगाना कि भाई हमारी स्पेस भी कहीं खत्म ना हो, तो अंकुश जी को आपने बोलना है कि अंकुश जी भाई ये गाड़ी है बेसिकली कमिंग सून है, तो आपको बुकिंग करा के रखनी पड़ेगी, जैसे ही स्टॉक आता रहेगा आपके पास डिलीवरी होती रही। So, hey guys, what's up? Back to my channel. आज हम फिर से अंकुश जी के पास आ चुके हैं। आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं अंकुश जी, पहले तो बताओ। हम आपको सिविक दिखाने वाले हैं जो अल्टीमेट है भाई, ओनली वन इन इंडिया तो कह नहीं सकता क्योंकि केरला में तो बहुत चलती है, ओनली वन इन दिल्ली एनसीआर। भाई ऐसी सिविक कहीं नहीं देखी होगी, आगे सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हुआ है, कितनी एस्टिमेट कॉस्ट लगी है। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखी है, तो आ जाओ। अंकुश जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये गाड़ी सेम एज इट इज मैंने केरला में देखी थी, आपने दिल्ली में पॉसिबल कर दिया भाई। अंकुश जी मैं चाहूंगा फ्रंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे साइड प्रोफाइल पे भी जाएंगे इस कार के अंदर। पहले जैसा कि आपने देखा पहले का लुक था इस गाड़ी का, हमने इसको चेंज करके पूरा स्पोर्ट लुक दे दिया है, बिल्कुल अल्टीमेट बना दिया। हमने सबसे पहले इसमें बॉडी किट लगाई है, ये आप देख रहे हैं जैसे नीचे बम्पर, पूरा बम्पर आता है आगे का, पीछे का लिप आता है एंड साइड की फिटिंग्स आती है। फिर हमने ये हेडलाइट चेंज कर दी, आफ्टर मार्केट हेडलाइट होती है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपनी DRL ऑन हो चुकी है, दूर से लुक दिखाओ तो भाई बहुत अल्टीमेट लग रही है। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर नीचे हमने ये एक प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, ये एक्चुअली बॉडी किट का ही पार्ट होता है। अच्छा, बॉडी किट के साथ हमें प्रोजेक्टर मिले हैं। जी प्रोजेक्टर्स आते हैं, ये ताइवान की बॉडी किट है, इसको RR म्यूगन बॉडी किट बोलते हैं। RR म्यूगन बॉडी किट। अंकुश जी आपको रोक के यहाँ पे दिखाना चाहूंगा सबको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जापानीज में लिखा है RR म्यूगन, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट चीज अंकुश जी आप देख रहे हैं इस कार को, हमने इसका पहले जो कलर था वो मिल्की व्हाइट जैसा सिविक में आता है पुरानी सिविक में, हमने इसको नया लुक देके जो बिल्कुल नई वाली सिविक में जो पर्ल व्हाइट आता है जो अभी वाली करेंटली सिविक में आ रहा है, हमने वो वाला पेंट इसके ऊपर किया और बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंट है, हाई ग्लॉस पेंट है। यहाँ पे आपको अंकुश जी के रिफ्लेक्शन देख पा रहा होगा, इवन यहाँ पे मेरा भी रिफ्लेक्शन देख पा रहा होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो गाड़ी की लुक कैसे होती है। मिल्की व्हाइट कहते हैं इसको, पर्ल व्हाइट कहते हैं, पर्ल व्हाइट जो इसका पुराना पेंट था उसको मिल्की व्हाइट कहते हैं। नेक्स्ट चीज क्या हो रखी है अंकुश जी, हो तो बहुत कुछ रखा, आप एक एक चीज समझाते रहो। ये आप देख रहे हैं जैसे हमने पिलर्स और रूफ इसको ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन कर दिया, ये पेंट है या रैप है? ये रैप, गाड़ी एकदम ड्यूअल टोन हो चुकी है अपनी। ये अगर आप देख रहे हैं बॉडी किट का ही पार्ट है, साइड स्कर्ट कहते हैं, ये भी मेड इन ताइवान है, मेड इन ताइवान है, ये पूरी किट आती है। अलॉय भी मैं देख पा रहा हूँ, किट तो हमने दिखा दी, साइड स्कर्टिंग अलॉय पे भी चलते हैं, अलॉय बहुत प्यारे लग रहे हैं रेड कलर के। ये हमने 17 इंचेस इसमें अलॉयज लगाए हैं और थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर लगाया है सो दैट के गाड़ी थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए। इसमें जो पिटेड आते हैं 15 इंचेस आते हैं, इसमें 17 इंचेस रिम लगाए हैं क्योंकि बॉडी किट की वजह से गाड़ी थोड़ी सी लो हो जाती है। ये रेड कलर का देख पा रहे हो कि स्ट्रिप बहुत अल्टीमेट लग रहा है, स्पेशली होंडा का लोगो भी आपने रेड में ही कर दिया। दूर से आपको दिखाऊं तो गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है। अब आपको मैं पीछे से कार को दिखाना चाहिए, पीछे धूम मचा रखी है अंकुश जी ने, पीछे से दिखाते हैं जो इसका रियर लुक है, बहुत ही स्टाइलिश लुक है आप देख सकते हैं।
बहुत अल्टीमेट लग रहा है। स्पेशली मैं कहना चाहूंगा स्मोक टिंटेड लाइट है, स्मोक लाइट है ये स्मोक लाइट होती है, बट अंदर इल्यूमिनेशन रेड कलर की होती है। पर आपको दूर से भी दिखाऊं तो गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है। नीचे और धमाका मैं देख पा रहा हूं, धूम धूम वाला। हां, इसके अंदर हमने कस्टमाइज साइलेंसर्स किए हैं। ये वर्किंग है? वर्किंग है। मैं आपको स्टार्ट करके इसकी आवाज भी सुना सकता हूं। आवाज सुनाएंगे बाद में, पहले साइड प्रोफाइल दिखा दे और अच्छी तरह से। साइड में मैं यहां पे देख पा रहा हूं स्पॉइलर भी है। ये स्पॉइलर अपना आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट स्पॉइलर होता है। इसको भी हमने ब्लैक रैप कर दिया है। ब्लैक रैप उसके साथ कॉम्बिनेशन रूप। अच्छा, कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक और व्हाइट अल्टीमेट लग रहा है। एक बार गौरव ब्रेक दबाई हो भाई, ब्रेक के साथ ये ब्लिंकर रहने वाला एक तरह से, और इसमें बेंटी वाली लाइट भी लगाई गई है। हाँ जी। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा, चार पांच लोग गए वो भी अपनी सिविक को देख रहे थे। यहाँ पे भी आपको जापानीज में म्यूगन की बैचिंग मिल जाए, क्योंकि पूरी बॉडी किट अपनी म्यूगन की है। हाँ, म्यूगन की। साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप अलॉय देख लो। गाड़ी का एक बार नाइट लुक भी दिखाऊं, कैसी लाइट का थ्रो है अपना। इसमें दो बीम होती है, हाई बीम और लो बीम। हाई बीम में नॉर्मल एलईडी लगाई हुई हमने, और लो बीम में प्रोजेक्टर होता है, उसमें हमने एचआईडी लगाई हुई है। साइड की तरफ देख पा रहे हो, एक बार आपको पेंट क्वालिटी भी दिखाऊं तो भाई इधर से जस्टिस हो पा रहा होगा। ये डोर वाइजर भी आफ्टर मार्केट है, मोस्टली सारी कार्स के आते हैं, तो ये सिविक का स्पेसिफिक डिजाइन है। अंकुश जी, एक चीज आपको पूछना चाहूंगा, यहाँ पे तो हम सिविक दिखा रहे हैं, अल्टीमेट लग रही है। अगर हमारे पास कोई और गाड़ी है ऐसा कुछ आफ्टर मार्केट करवाना चाहे, बॉडी किट वगैरह सब अवेलेबल है? हाँ, कुछ कार्स हैं जिनकी अवेलेबल होती है, जैसे स्विफ्ट है, पोलो है, इन कार्स की मिल जाती है किट। इनकी तो बहुत अलग लेवल की डिमांड है। आप चलते हैं धूम धूम की तरफ, पीछे आ जाओ अंकुश जी, ऑन कर गौरव। तो भाई आवाज आप सुन पा रहे होगे, पास से आपको दिखाऊं, करियो ड्राइव फिर से। चलता फिरता हर बंदा है इस सिविक को देखने वाला। रात अब होती आ रही है, तो आपको रात में, अंकुश जी कहना चाहूंगा, रात में और लोग निकल के आएगी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो साइलेंसर टिप्स हैं, ये दोनों साइलेंसर्स हैं और दोनों फंक्शनल हैं। अच्छा, दोनों वर्किंग। मोस्टली लोग डमी लगा देते हैं, हमने डमी नहीं लगाया, हमने दोनों साइलेंसर लगा। एक वो जो अपना डिफ्यूजर ट्रेंड में चल रहा है जब डमी वाला। हाँ, वो डमी होता है बट ये फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल है। अब अंदर की तरफ चलते हैं अंकुश जी, अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ धमाल है अपना, वैसे बाहर से तो मैंने दिखा दिया था। तो यहाँ पे दरवाजा खोलते ही आप देख रहे हैं, जैसे ये सारा बेज कलर होता है, हमने इसको ब्लैक कर दिया है, यहाँ पर लेदर फिनिश दे दी है, यहाँ लेदर फिनिश दे दी है। अगर कोई चाहे तो ये गाड़ी का मतलब नीचे का पार्ट पेंट भी हो सकता है, इसको हमने ब्लू कलर की स्टिचिंग दी है, यहाँ पे ब्लू का कॉम्बिनेशन रखा है। नेक्स्ट चीज की बात करूँ, गाड़ी में डाली गई सिविक की स्टॉप प्लेट, वेलकम प्लेट, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स स्टाइल भी अवेलेबल है, मैट्रिक्स स्टाइल भी अवेलेबल है। अंदर की तरफ चलते हैं अंकुश जी, मैं इसको कौन सा डिजाइन कहूँ, डायमंड डिजाइन, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई। पास से आपको दिखाऊं तो आई होप आपको ब्लू स्टिचिंग दिख रही होगी, पास से आपको दिखाऊं तो सब में आपको ड्यूल स्टिचिंग मिल जाएगी। हैंड से स्टीयरिंग की बात करूं, स्टिचिंग देखो भाई, बिल्कुल ओईएम करी गई है, डबल स्टिचिंग करी गई है। ये हम आ चुके हैं को ड्राइवर साइड, यहाँ से आपको दिखाऊं तो सिविक किस का अपडेट, ये जो मैट आप देख रहे हैं ये डबल लेयर मैट होता है, इसमें डस्ट वगैरह सब अंदर चली जाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये वेलक्रो लगा हुआ है इसके अंदर, इसको आप खोल के ऐसे क्लीन कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट रहता है। सर ने अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग नहीं कराई, फ्लोरिंग की जरूरत नहीं थी, इस कार में ऑलरेडी बहुत क्लीन कार है, तो उनको फ्लोरिंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने फ्लोरिंग नहीं की। फ्लोरिंग बिल्कुल रिकमेंडेड है, आजकल जितनी डस्ट होती है कार के अंदर रुक जाती है, देखते हैं आपको वैक्यूम क्लीनर से आपको साफ करनी पड़ती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सीट दिखाऊं यहाँ से आपको क्लियरली जस्टिस हो पा रहा होगा। गियर नॉब दिखाऊं, गियर नॉब कोई पूरा हैंड स्टिच करा गया है। ये नॉब भी आपने देखा होगा पहले कि ये सारी यहाँ से टेयर हो रही थी, लेदर इसका रैप कर दिया। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिखाऊं, ये आर्मरेस्ट की फिनिश देख लीजिए। स्टीरियो की बात करूं तो यहाँ पे डाला गया अंकुश जी कितने इंच का, ये 10 इंचेस होता है, एंड्रॉइड स्टीरियो डाला गया 10 इंचेस। लुक देख पा रहे होगे, जैसा आपने बाकी कार्स में देखा होगा लगा होता है उसमें 9 इंचेस होता है, बट इस कार में 10 इंचेस लगता है। पीछे की तरफ चलते हैं, डोर पैनल बिल्कुल ही हैंड स्टिच करा गया। पीछे की सीटों की बात करूं, यहाँ पे अपने को आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो उसकी फिनिशिंग आपको दिखाऊं एक बार, बहुत प्यारी फिनिशिंग आई है, कहीं से भी आपको रिंकल नहीं देख पा रहे होगे। ये भी हमने सिविक में आपने नोटिस किया होगा, सारा बेज कलर होता है, तो बिकॉज हमने सीट कवर इसमें ब्लैक लगाया, तो हमने प्लास्टिक पेंट करके और यहाँ पर इसको ब्लैक पॉकेट लगा दिया, नहीं तो ये बेज कलर का। पीछे भी अपने डबल फ्लिप मैट आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। अंकुश जी, अब डिग्गी का धमाका दिखा दे। हाँ, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया होगा शायद जी। अब चलते हैं डिग्गी के साइड, आपको दिखाता हूँ मैं। पीछे की तरफ धमाका दिखाते हैं, यहाँ पे खाली खाली दिख पा रहा हूँ, अंकुश जी दिखा दीजिए। इसमें हमने बिल्कुल लेटेस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो निपॉन कंपनी करने वाली है, ब्रांडेड मतलब वारंटी के साथ। यहाँ पे अंकुश जी बता दीजिए क्या है ये एक सबवूफर है, जैसा जो लोग चाहते हैं बूट स्पेस कवर ना हो तो ये स्टेपनी के अंदर लग जाता है। अभी ये एक्टिव सबवूफर है, इसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट है और इसका साउंड आउटपुट बहुत अच्छा है। अभी हम सुनाएंगे भी अंकुश जी, आपने तो कहना चाहूंगा मतलब सबकी दिक्कत ही खत्म कर दी। ये तो सिविक जैसी गाड़ी में लगा था, अगर मेरे पे ऑल्टो हो तो हम ऑल्टो में किसी भी कार में लगा सकते हैं, किसी भी कार में लग सकता है। अगर आप चाहते हो आपकी डिग्गी की स्पेस खत्म हो, सबके अंदर डाउट होता है, कोई लगाता है अंडर सीट वूफर, वो
पैरों के नीचे आ जाते हैं, बट ये आपने सारी दिक्कत खत्म कर दी। अब चलते हैं अंकुश जी अंदर के साइड, आवाज वगैरह सुनाते हैं कैसी आ रही है आवाज। गाड़ी में बेसिकली जो स्पीकर चल रहे हैं वो OEM स्पीकर जो कंपनी थी, हो चुकी है DRL ऑन। लोग जैसा कि आप देख पा रहे हो अंकुश जी फॉग लैंप, तो यहां अपने फॉग लैंप हो चुके हैं। हेडलाइट अंकुश जी बहुत अल्टीमेट है, HID अपनी डिपर, अंकुश जी डिपर हाई बीम कर दी, सारी लाइट ऑन कर दीजिए। तो भाई आपके सामने सब कुछ है, एक बार आपको फ्रंट से भी गाड़ी की लुक दिखाऊं, चेक करो भाई बहुत सॉलिड है। अंकुश जी सारी लाइट बंद करके डिपर मारना, डिपर एक तरह से कहना चाहूंगा इतनी अंधेरी वाली जगह में बिल्कुल उजाला हो चुका है। फ्रंट से तो आपने देख लिया रात का लोग, अब पीछे से भी आपको दिखाऊं तो भाई गाड़ी पीछे से कैसे लगती है चेक करो भाई। So guys, जैसा कि आपने सिविक हमने दिखा दी, जैसा कि क्लेम किया था ओनली वन इन दिल्ली NCR। yes. अंकुश जी अब मोटी मोटी बात आती है भाई, इतनी प्यारी गाड़ी सुपर सॉलिड गाड़ी में पैसे कितने लग गए? एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट 2 lakh rupees। 2 lakh rupees लग चुके। देखो यार ये जो गाड़ी थी एक शौक के तरह से तैयार हुई थी, तो इसमें जितने पैसे लगा लो कम थी, गाड़ी ऐसी थी सिविक। अंकुश जी अब थोड़ी थोड़ी अलग अलग बात आती है, इसमें हमने स्पेशल चीज जो देखी थी स्टेपनी वूफर, थोड़ा बताओ उसके बारे में। वो एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, निपॉन एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, OEM कंपनी है, मारुति OEM कंपनी है, तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया है आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज सब लोग बूट में स्पेस चाहते हैं, तो ये एक ऐसा सब वूफर है जो स्टेपनी के अंदर फिट हो जाता है, तो आपको ये भी नहीं पता लगता कि वूफर लगा कहां पर है और ना वो स्पेस कवर करता है। क्योंकि बेसिकली छोटी गाड़ी अगर मैं लूँ तो ऑल्टो या फिर मारुति 800 गाड़ी में क्या सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर हम एक 12 इंच की बेस ट्यूब डाल देते हैं तो स्पेस पूरी खत्म हो जाती है। बड़ी गाड़ी में तो चलो स्पेस बच जाती है, बट छोटी गाड़ी में क्या दिक्कत होती है कि स्पेस का काफी इशू है। हम इतनी बड़ी बेस ट्यूब डाल रहे हैं, कल को हमारी फैमिली को कहीं जाना होगा XYZ प्लेस पे, तो हमें स्पेस का सारा इशू खत्म हो चुका है। आपके स्टेपनी वाले एरिया में वूफर लग जाएगा, और वूफर की आवाज भी बहुत अच्छी थी, ये नहीं कि आवाज दब, आवाज बहुत अच्छी है। सिविक जैसी गाड़ी में जो कि सेडान गाड़ी अंदर तक आवाज आ रही थी, स्टेपनी सबवूफर कमिंग सून है। अगर आप भी चाहते हो भाई अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना, ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, सिविक तो सेडान गाड़ी हो गई, उसमें स्पेस अच्छी खासी मिल जाती, बट स्टिल स्टेपनी में चाहते हो वूफर लगाना कि भाई हमारी स्पेस भी कहीं खत्म ना हो, तो अंकुश जी को आपने बोलना है कि अंकुश जी भाई ये गाड़ी है बेसिकली कमिंग सून है, तो आपको बुकिंग करा के रखनी पड़ेगी, जैसे ही स्टॉक आता रहेगा आपके पास डिलीवरी होती रही। अंकुश सबसे बड़ा डाउट होता है क्या मैं कहीं और प्लेस में रहता हूं, XYZ मुंबई रहता हूं, क्या हम पैन इंडिया डिलीवरी भी करते हैं? हां हम पैन इंडिया डिलीवरी भी करते हैं। कोई से प्रोडक्ट मेरे पास, कोई भी प्रोडक्ट हो हम सब कुरियर करते हैं यहां से, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ पैन इंडिया डिलीवरी आपको मिल जाएगी। तो डिलीवरी के लिए एड्रेस भी तो बताओ कहां पे आना है। हमारा एड्रेस है G48 पालिका भवन RK पुरम Sector 13 न्यू दिल्ली। एक बार फोन नंबर बता दो। फोन नंबर है 9873448830। कोई भी आपकी क्वेरी होगी अंकुश जी मेरे को ये अपनी सब ऊपर दिखा दो, फोटो वगैरह चाहिए, ये सीरो लगाना है भाई, अल्टीमेट शॉप है, वन शॉप सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे आओ गाड़ी देखो और स्पेस का भी इशू नहीं है, गाड़ी लगाओ। और अगर आप बाहर रहते हो तो अंकुश जी को बोलो अंकुश जी मैं बाहर रहता हूँ, फोटो भेज दो, तो आपको सब कुछ पैन इंडिया मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक दे दूंगा, कहीं से भी आओगे बड़े प्यार से शॉप पे पहुंचोगे, शॉप का नाम रहने वाला है एक्सेसरीज द शॉपी। अंकुश भैया का नंबर यहाँ पॉपअप होता आपको दिख जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख ली सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो दोस्त फैमिली से तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। भाई ऐसी सेवी तो देखी नहीं होगी, देख ली कहीं और भी देखी होगी, बट
दिल्ली एनसीआर में पहली बार देखोगे, कहीं घूमते हुए भी देखोगे ना, तो भाई अपने अंकुश जी ने पूरी रेडी करी है। कोई और गाड़ी अपने पास भी होगी उसकी बॉडी किट अपने को मिल जाएगी? हाँ, मिल जाती है। अगर कस्टम बॉडी किट चाहिए तो मेरे को? हाँ, मिल जाती है, जैसे स्विफ्ट होगी, अपोलो होगी, इनकी स्पेशल बहुत अच्छी मिलती है। ऑल्टो मेरे पास है, वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज आपको बॉडी किट मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अंकुश जी बाय। तो भाई लाइन भूल गया, ये चाइनीज में लिखा है अंकुश जी, आर आर, ये जापानीज में लिखा है।